आज हम लोग का बीकॉम सेमेस्टर 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का फर्स्ट क्लास है और आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो कौन चैप्टर में कितना मार्क्स है और कितना चैप्टर्स है टोटल, ये आप लोगों को ऑलरेडी सिलेबस में मिल जाएगा। तो एक एक करके इसमें टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं कितना चैप्टर्स है क्या है, क्योंकि जितना भी चैप्टर्स है करना तो हम लोग को सभी पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली आज फर्स्ट डे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, जो बीकॉम सेमेस्टर 3 का एक सब्जेक्ट है। तो जो चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो पार्टनरशिप से है। पार्टनरशिप में पीएल अप्रोप्रिएशन, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन। तो पीएल अप्रोप्रिएशन, एडमिशन एंड रिटायरमेंट तो हम लोग पहले भी किए हैं, इस वजह से वो चैप्टर से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, उसको भी करवाएंगे तो ईच एंड एवरीथिंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, जिससे कंपलसरी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा हर हाल में। तो पहला ही चैप्टर हम लोग 15 मार्क्स वाला कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, कुछ क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं, जो जो तो WB से है उन लोगों को ये चैप्टर का बारे में कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो लोग किया नहीं होगा, 12 में हम लोग का पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन था नहीं। बट जो ISC बैकग्राउंड से है उन लोगों को डिसोल्यूशन का आइडिया होगा। बट जो डिसोल्यूशन आप ISC क्लास 12 के अकाउंट्स में किए वैसा वाला सम्स एग्जाम में रहने वाला नहीं है। एग्जाम में डिसोल्यूशन का थोड़ा हायर लेवल वाला सम्स, गार्नर वर्सेस मरे हो गया, ठीक है, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब रहेगा जो आप लोगों का 12 ISC में नहीं था। बट हाँ, बेसिक आप लोगों को पता है, ऑलमोस्ट 50% आप लोगों को पता है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, सब हेडिंग दे दो, 15 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन। तो जिस तरह से पार्टनरशिप में एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, वैसे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व भी तो हो सकता है। तो सर ये मतलब क्या है, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डिसोल्यूशन? देखो, जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जा रहे हैं, मतलब और बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेगा, सब फर्म, सब पार्टनर बोल रहे हैं कि भाई बंद करो और नहीं रहना है एक दूसरे के साथ, अब सब अपना अपना रास्ता चले जाओ, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। जब फर्म अपना एक्टिविटी को परमानेंटली क्लोज कर दे रहा है और सब पार्टनर को बोल रहा है चलो अब सब अपना अपना रास्ता, जो था यहीं तक था, अब इससे आगे जो जिसको जो करना है करो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। अब फर्म डिसॉल्व क्यों होता है सर? डिसॉल्व इधर क्या हुआ, समझा रहे हमसे अच्छा क्या हो? फर्म डिसॉल्व क्यों होता है? फर्म को डिसॉल्व होने का बहुत सारा रीज़न है, फर्म डिसॉल्व होने का बहुत सारा रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है म्यूचुअल कंसेंट। सब पार्टनर लोग, फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग चार लोग पार्टनर हैं, चारों मिलकर बोलते हैं भाई और नहीं रहने, अब बन रहा नहीं है, या कोई भी रीज़न है वो हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे, हम लोग सब अपना अपना बिजनेस कर लिए, तो फर्म को डिसॉल्व कर दो। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट तुम लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, कोर्ट को पता चल गया कि सब मिलकर ये फर्म में कुछ गड़बड़ी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है पब्लिक के साथ, तो कोर्ट ऑर्डर देगा, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट फर्म हो जाएगा डिसॉल्व। तीसरा हो सकता है परपेचुअल लॉसेस या कंसिस्टेंट लॉसेस। एक साल तुम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए लॉस, दो साल लॉस, तीसरा साल लॉस, चौथा साल लॉस, अब जिंदगी भर लॉस रहेगा तो तुम थोड़ी पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करोगे। तुम लोगे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, फर्म को बंद कर दो, डिसॉल्व कर दो, समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग बहुत ज़्यादा हम तुम लोगों को थ्योरी पोर्शन में नहीं लेके जा रहे, एग्जाम में थ्योरी नहीं आएगा, समझ आएगा, पार्टनरशिप का समझ आएगा। तो क्लियर हो गया डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्यों फर्म डिसॉल्व होता है। अब पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का अकाउंट्स में क्या होगा, अकाउंट्स में जैसे कि देखो हम लोग एडमिशन बनाते थे, तो एडमिशन में हम लोग को क्या क्या बनाना पड़ता था, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाना पड़ता था ना। तो डिसोल्यूशन में हम लोग क्या क्या बनाएंगे, एक रियलाइजेशन अकाउंट, क्या बनाएंगे, रिवैल्यूइंग नहीं होगा, रियलाइज होगा, समझ में, क्योंकि फॉर्म तो कंटिन्यू नहीं होगा ना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल। तीसरा, बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट, ये है द मिस्टेक, बैंक अकाउंट। अरे भाई फर्म जब रहेगा ही नहीं तो बैलेंस शीट कहाँ से आएगा, फिर फर्म तो खत्म हो जा रहा है, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट
नहीं, ठीक है। कभी कदार जो है तुमको जर्नल एंट्रीज करने बोल देता है कि भाई जर्नल पास करो, समझ में आ रहा है? बहुत सारा टाइम क्या बोलते हैं तुमको, जर्नल एंट्रीज, जैसे कि पार्टनरशिप में एडमिशन में, ऐसी तुम लोग एग्जाम में 12 में आए थे, एक का जर्नल करना है ना, जर्नल करने आ गया था, तो पार्टनरशिप में भी जर्नल आता है। जर्नल सिखाएंगे, अलग से नहीं सिखाएंगे, जैसे जैसे क्लास करवाएंगे उसी तरह जर्नल भी बता देंगे, ठीक है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये दो, एक है गार्नर वर्सेस मरे रूल, गार्नर वर्सेस मरे, एंड इससे भी इम्पॉर्टेंट है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। सब क्या है, नए नए नाम सुनाए जा रहे हैं, तो हम लोग जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा ना, हम लोग समझते रहेंगे, ये दिमाग में डाल दे रहे कि ये चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। कभी कदार ये तीनों बनाने दे देता है, कभी कदार बोलते हैं जर्नल पास करो, ठीक है, कभी कदार ये तीनों बनाने दे देगा, कभी कदार बोलेगा जर्नल पास करो, और ये दोनों कोई अकाउंट नहीं है, ये लो, ये अप्लाई होगा ये सब में, गार्नर वर्सेस मरे रूल और पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो उतार लो। अब हम डिसोल्यूशन में करेंगे क्या, जर्नल एंट्री, सबसे पहले तो जर्नल एंट्री समझना होगा ना, कि क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे, फिर लेजर अकाउंट कैसे बनेगा, इसको हम लोग सीखेंगे। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? तो देखो डिसोल्यूशन में, जैसे तुम लोगों को पार्टनरशिप में एक बैलेंस शीट दिया हुआ रहता था, फिर एडजस्टमेंट रहता था उसके नीचे, डिसोल्यूशन में भी वैसे रहेगा, एक बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, उसमें एसेट्स लाइबिलिटीज रहेगा और उसके नीचे एडजस्टमेंट्स लिखा हुआ रहेगा, समझ आ रहा है बात? उसी तरह का क्वेश्चन रहेगा जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में रहता है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारा कोई बोल सकता है सर आप एडमिशन रिटायरमेंट स्टार्ट नहीं किया, डायरेक्ट डिसोल्यूशन कर दिए, तो समझ में आएगा? हाँ, पूरा समझ में आएगा। एडमिशन और रिटायरमेंट का डिसोल्यूशन से दूर दूर तक ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं, और ऐसे भी तुम लोग को बेसिक्स तो पता ही है, तुम लोग 12 में तो नहीं है कि एडमिशन रिटायरमेंट कुछ नहीं पता, नाम तो पता है एडमिशन में क्या होता है, रिटायरमेंट में क्या होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ तुम लोग को यूज़ नहीं होगा, और ये कंपलसरी 15 मार्क्स का आता है, इसी वजह से इसको हम लोग स्टार्ट किए। बाकी जो रिमेनिंग पार्टनरशिप है, एडमिशन रिटायरमेंट डेट डिसोल्यूशन, ये सबसे पूरा मिलाकर पूरा मिलाकर 15 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। तो चलो अब जर्नल लिख लो, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखो, ठीक है, और समझना है। देखो जर्नल भी लिखवा देंगे आज, लेजर का भी फॉर्मेट बता देंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले जर्नल में आते हैं, सबसे पहला देखो, पहला जो चार है ये स्टेप बाय स्टेप होगा, सीक्वेंस मेंटेन होगा, उसके बाद आगे पीछे हो सकते हैं। तो सबसे पहला देखो, बैलेंस शीट में एसेट्स दिया हुआ रहेगा, एसेट्स को तुमको क्लोज्ड करना पड़ेगा, क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है ना भाई, तो फॉर्म और रहेगा नहीं, तो आगे तो लेकर नहीं जाएंगे एसेट या लाइबिलिटी, तो एसेट को क्लोज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एसेट को क्लोज करेंगे, तो एसेट्स क्लोज्ड। तो देखो एसेट का बैलेंस डेबिट रहता है, तो उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जर्नल क्या होगा, जर्नल होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, जितना भी एसेट्स है क्रेडिट कर दिए, रियलाइजेशन को डेबिट कर दिए, समझ में आया? कौन सा वैल्यू से करेंगे ये सब, बुक वैल्यू जो दिया हुआ है, बुक वैल्यू उससे। बट एसेट्स में कुछ चीज़ नहीं आएगा, जब वो एसेट्स को क्लोज करने का मतलब ये है, एसेट्स को लिक्विडिटी में चेंज करेंगे, मतलब एसेट्स को ख़त्म करके पैसा लाएंगे, तो कुछ चीज़ जो है रहेगा वो एसेट साइड में, बट उसको एसेट में रियलाइजेशन में डेबिट नहीं करेंगे। कौन कौन से है वो, एक्सेप्ट कैश, कैश तो भाई पहले से कैश है, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस,
एंड पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये सब एसेट्स में कंसीडर नहीं होगा। रियलाइजेशन में इसको डेबिट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, या जर्नल भी करेंगे तो इसको क्रेडिट नहीं करेंगे। तो एसेट को क्लोज किए, एसेट के बाद क्या आता है? लाइबिलिटीज, तो उसको भी तो क्लोज करेंगे। समझ में आ रहा बात? तो लाइबिलिटी को भी क्लोज करेंगे। लाइबिलिटी को क्लोज करने का क्या एंट्री होगा? जो उल्टा उल्टा हो जाएगा, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट, तो क्या होगा? सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, सन्ड्री लिखो लिटीज अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बट कौन सा वैल्यू? बुक वैल्यू। लाइबिलिटीज में भी कुछ चीज़ों को छोड़कर, लाइबिलिटीज में भी कुछ चीज़ों को छोड़कर, कौन कौन सा चीज़ को छोड़ देंगे? कौन कौन सा चीज़? देखो, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल /current account/loan account। पार्टनर का कैपिटल, करेंट अकाउंट, लोन, ये सब नहीं आएगा। और क्या क्या नहीं आएगा? और नहीं आएगा तुम्हारा कोई भी रिजर्व, क्योंकि वो सब तो बढ़ जाएगा। और पीएल का क्रेडिट बैलेंस, ये सब चीज नहीं आएगा, ठीक है ना? कोई भी रिजर्व हो गया या पीएल का क्रेडिट बैलेंस हो गया, ये सब नहीं आएगा। कैपिटल तो कैपिटल में चला जाएगा ना, उसको रियलाइजेशन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो एसेट को क्लोज कर दिए, लाइबिलिटीज को क्लोज कर दिए, बंद कर दिए। अब बंद करके करने का मतलब क्या है? बंद करने के बाद उसको बेचेंगे। समझ आ रहा है बात? बेचना पड़ेगा ना, रख के क्या करेंगे? अब बुक से निकाल के उसको बेचेंगे। तो थर्ड होगा एसेट्स सोल्ड या रियलाइज्ड। एसेट को बेच देंगे, उसको बहुत सारे बोलते हैं रियलाइज्ड। तो बेचेंगे एसेट को, तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बहुत कोई बोल सकता है, सर रियलाइजेशन क्यों की एसेट ना करिएगा? बाबू एसेट को ऑलरेडी क्लोज करके रियलाइजेशन में लिख रही। तो अब जो भी बेचेंगे या खरीदेंगे वो रियलाइजेशन से होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा वैल्यू? गिवेन वैल्यू, जो दिया हो रहा है एडजस्टमेंट में गिवेन, या फिर अगर नहीं दिया हो रहा है तो बुक वैल्यू। 99% टाइम दिया हुआ रहेगा एसेट। समझ में आ रहा है बात? दिया हुआ रहेगा कि भाई इतना में बेच रहे, नहीं दिया हुआ रहेगा तो बुक वैल्यू मान लेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? एसेट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा कितना में बेच रहे, अगर नहीं दिया हुआ रहा तो फिर बुक वैल्यू। उसी तरह लाइबिलिटीज को भी तो पे करेंगे, एसेट्स को बेचे तो लाइबिलिटीज को भी तो देना होगा। तो लाइबिलिटीज पेड ऑफ, उल्टा एंट्री हो जाएगा बस। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा गया ना, वही गिवेन अमाउंट या फिर गिवेन अमाउंट या फिर बुक वैल्यू, ठीक है ना? ये सब जर्नल काम आएगा। तो ये तो एकदम बेसिक है। सबसे पहले रियलाइजेशन में तुम क्या करोगे? एसेट को क्लोज करोगे, लाइबिलिटीज को क्लोज करोगे, एसेट्स को सेल करोगे, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करोगे। और क्या होगा आगे अब इसका देख लेते हैं। नंबर 6 यार, है ना? देखो तो आ रहा है ना 6। अच्छा, कभी ऐसे भी तो हो सकता है, मान लो
हम लोग तीन पार्टनर है, तीन में से कोई एक बोल रहा है भाई सुन ना अब तो फर्म तो बंद हो रहा है, एक काम कर रहे ना कार हम खरीद, कार हम ले ले रहे है ना, कार को बेच रहे क्यों हम ले ले रहे, तो उसको फ्री में दे देंगे उसका पैसा लेंगे। तो एसेट्स अगर कोई पार्टनर ले ले रहा है तो उसका जर्नल क्या होगा? नंबर 5 में लेगा। हाँ सॉरी 5 में। व्हेन एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, जब कोई पार्टनर एसेट ले रहा है, बोल रहा भाई कार हम ले ले रहे ना ठीक है, मान लो एसी लगा बोले एसी हम ले जा रहे ना ठीक है, तो उसको ऐसे ही नहीं दे देंगे कि जा ले जा, तो क्या करेंगे इसका जर्नल क्या होगा देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कौन सा वैल्यू? अग्रीड वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू में अग्री हुआ कि ठीक है चल इतना में ले जाओ ठीक है, अग्रीड वैल्यू, कुछ नहीं रहेगा तो बुक वैल्यू, समझ ना रहा बात, जैसे कि 3 लाख का कार है बोल रहे ठीक है मैं कार ले जा रहे 2 लाख रुपये में ठीक है चलो कोई बात नहीं ठीक है ना, उसी तरह अगर लाइबिलिटीज को ले ले रहा है कोई पार्टनर, तो भाई अगर वो 2 लाख में लेके जाएगा तो मतलब वो जो पैसा आएगा तो वो दोनों आपस में बांट लेगा, नहीं फर्म में आएगा बाद में बटे वटेगा बाद में, पहले जो है बेच के पैसा लो। अच्छा ये पैसा नहीं लाएगा पार्टनर, जब कोई एसेट लेगा तो पैसा नहीं लाएगा, बैंक एंट्री हो रहा है हाँ उसका कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा सब, हाँ उसका क्या मान लो, हाँ मान लो ए जो है उसका 5 लाख कैपिटल है, वो 2 लाख का कार ले उसका कैपिटल 3 लाख हो गया, 2 लाख से उसका कैपिटल को डेबिट कर दिए समझ रहे, और रियलाइजेशन में चला गया, फिर ओवरऑल जो प्रॉफिट लॉस होगा वो सब में बटेगा ठीक है। तो उसी तरह से कोई फर्म बोल सकते हैं कि भाई हम लाइबिलिटीज को ले ले रहे, क्रेडिटर कितना 2 लाख का ठीक है चलो हम दे देंगे, तो बदले में उसको तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना, दे देंगे मतलब क्या वो अपने पॉकेट से थोड़ी देगा, समझ में आ रहा है बात। तो व्हेन लाइबिलिटीज इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो जर्नल क्या होगा देखो, उल्टा हो जाएगा ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्लियर, कौन सा वैल्यू? अग्रीड वैल्यू, अगर वो कोई एसेट ले रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दे रहे, अगर कोई वो लाइबिलिटी दे रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, ये सब हो गया एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का मामला क्लियर हो गया। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला मामला ठीक है, क्या आता है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब क्या है सर? देखो तुम जो इतना बेच रहे हो खरीद रहे हो तो ये सब में क्या पैसा नहीं लग रहा, वक्त जा रहा ना बेचने खरीदने में, तो रियलाइजेशन करवाने का जो खर्च है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन, रियलाइजेशन करवाने का जो खर्च है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन, समझ में आया बात। तो देखो इसका थोड़ा ट्रीटमेंट अलग है, रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब इसका इसको समझने के लिए पहले तो ये समझ ले कि रियलाइजेशन का खर्च होता क्या है, अब दूसरा क्या समझना है, दूसरा तुमको ये समझना है खर्च कर कौन रहा है और उसको बेयर कौन कर रहा है, खर्च अभी कौन कर रहे हैं और उसको बेयर कौन करेगा। तो इसमें दो है, एक है पे कौन कर रहे हैं, दूसरा बॉन कौन कर रहे हैं, तो एक है पेड बाय कौन पे कर रहा है और दूसरा है बॉर्न बाय सह कौन रहा है, और फिर होगा एंट्री ऐसे ठीक है ना।
तो नंबर वन में है पे भी कर रहे फर्म और उसको बॉन भी करेगा फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, फर्म दे रहा है और उस समझ में आ रहा है बात, पेड बाय एंड बॉन बाय का मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम कुछ सामान लाने बोले तुम लोगों को, हम बोले कि रही रे काम करे बाहर से ये सामान कर आने वक्त ये लेके आना, तो पैसा कौन देगा लेने के वक्त, जहीर, तो पे कौन किया, लेकिन वो खर्चा उठाएगा कौन, हम उठाएंगे, समझ में। तो पेड बाय बॉन बाय का मतलब क्या हुआ, वो अभी दे दे रहा है बाद में हमको देना होगा, और पेड बाय बॉन बाय का मतलब है दिए भी हम और वो उठाएंगे भी हम, बेयर भी करेंगे हम, बॉन बाय मतलब होता है बेयर कौन करेगा। तो पहला केस में पे भी कर रहा है फर्म और उसको बेयर भी कौन करेगा, फर्म, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, पहला समझ में आया। दूसरा, पेड बाय फर्म बॉन बाय पार्टनर, पे कर रहे हैं फर्म लेकिन उसको बॉन कौन कर रहा है, कोई पार्टनर, बोले ठीक है तुम दे दो ना बाद में हम बेयर कर लेंगे, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और थर्ड, पे करेगा पार्टनर पर उस खर्चा को सहेगा कौन, फर्म। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, पे वाला सिचुएशन कब आएगा, जैसे कि पार्टनर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, सिचुएशन आएगा नहीं तुमको क्वेश्चन में बोल देगा कौन सा सिचुएशन है, ठीक है, क्वेश्चन में तुमको बता देगा, तुमको अपने दिमाग से कोई एंट्री नहीं कर देना है। तो इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है ना, तो तीन सिचुएशन है, तो देखना है पे कौन कर रहे हैं और बॉन कौन कर रहे हैं, उस हिसाब से एंट्री होगा। ये दो एंट्री ज्यादा देखने को मिलेगा, वन और थ्री, टू उतना यूज नहीं होगा, वन और थ्री थोड़ा ज्यादा रहता है, समझ रहता है सभी है, तुमको बता देगा कौन पे कर रहा है और कौन उसको बॉन कर रहा है, क्वेश्चन में तुमको बता देगा ये, लेकिन तो तुम हम कैसे समझेंगे सर क्या क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, समझ में आया बात। अब देखो ये सब हो गया, सब हो गया, तो अब पार्टनर को जो लोन रहेगा वो क्या होगा, पार्टनर का जो लोन रहेगा उसको क्या करेंगे, क्या होगा पार्टनर का लोन का, पार्टनर का जो लोन है वो डायरेक्टली पे ऑफ हो जाएगा, उसका कैपिटल अकाउंट या रियलाइजेशन में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पार्टनर्स लोन, व्हेन पार्टनर्स लोन इज पेड ऑफ, बट हाँ अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मेरा जो लोन है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो तब ठीक है, नहीं बोला है तो उसको डायरेक्टली पे ऑफ कर देंगे। तो कैसे क्या एंट्री होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसको डायरेक्टली बैंक से पे कर दिए, ठीक है ना, पार्टनर का जो लोन उसको डायरेक्टली बैंक से पे कर दिए, ठीक है ना। अब देखो रियलाइजेशन में सब तो लिख दिए, जैसे रिवैल्यूएशन होता था डेबिट पूरा रिकॉर्ड कर दिए, क्रेडिट पूरा रिकॉर्ड कर दिए, अब क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस। रियलाइजेशन में या तो प्रॉफिट होगा या तो, जैसे होता था ना वहाँ रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस, उसी तरह यहाँ पर भी होगा प्रॉफिट या लॉस। सर अब हम कैसे समझेंगे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अब हम कैसे समझेंगे, देखो अगर क्रेडिट साइड बड़ा है, ध्यान से समझ लो, अगर रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट, डेबिट साइड बड़ा है तो सिंपल, तो एंट्री क्या होगा प्रॉफिट का, कितना तक हुआ था, 8 तक ना, 9, तो रियलाइजेशन प्रॉफिट
देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कौन सा रेशियो में बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया हुआ रहेगा, रियलाइजेशन कौन सा रेशियो में बटेगा? दिया हुआ रहेगा। अगर बोल देगा कैपिटल रेशियो में बांटना है तो कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, बोल देगा इक्वल बांटना है इक्वल बांटेंगे, जो भी रेशियो देगा उसमें। और लॉस भी तो हो सकता है, तो उसमें क्या करेंगे, एंट्री क्या होगा? हाँ उल्टा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, हो गया खत्म? नहीं, अभी तो सिर्फ रियलाइजेशन बना है। अब देखो प्रॉफिट लॉस बढ़ गया। अब देखो बहुत सारा टाइम एसेट्स को राइट ऑफ करने बोलते हैं ना, फिक्टिशियस एसेट जो रहते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, गुडविल, सबको राइट ऑफ करने बोलते हैं ना, बोलते हैं ना क्वेश्चन में, तो इसको कैसे करके करेंगे? एसेट्स को राइट ऑफ करने अगर बोला तो एसेट्स रिटेन ऑफ, एसेट्स रिटेन ऑफ, तो जर्नल क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है ना, गुडविल हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो, कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स हो। उसी तरह बहुत सारा टाइम रिजर्व को भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है या राइट ऑफ करते हैं, है ना, रिजर्व रिटेन ऑफ, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, ये सब भी तो बटता है ना, तो ये सब बटता है तो क्या होगा? उल्टा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ठीक है, प्रॉफिट लॉस बांट दिए, एसेट राइट ऑफ करना है, तो ये सब अब पार्टनर्स रियलाइजेशन का काम हो गया, अब पार्टनर्स कैपिटल का काम चल रहा है, देखो, है ना। अब ये सब करने के बाद, पार्टनर्स कैपिटल में करने के बाद लास्ट एंट्री क्या रहता है पार्टनर्स कैपिटल में? बैलेंस सीडी का रहता है, क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकलेगा क्योंकि अब तो फर्म कंटिन्यू ही नहीं होगा, तो भाई क्लोजिंग बैलेंस लेकर क्या करेंगे हम, समझ में आ रहा है बात, फर्म तो कंटिन्यू करना ही नहीं है, तो क्या होगा, जो भी अमाउंट रहेगा अगर किसी का निकल रहा है तो उसको दे देंगे, अगर किसी का नेगेटिव में है तो वो पैसा लाएगा और अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अगर किसी का निकल रहा है तो देख लो नंबर 13, अगर पार्टनर को पैसा लाना पड़ा, कैपिटल या कैपिटल तो नहीं बोलेंगे, कैश ब्रॉट इन बाय पार्टनर, व्हेन पार्टनर्स ब्रिंग कैश, जब पार्टनर कैश ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बैंक में डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। बट अगर ऐसा कोई मामला आया जहां पे पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा, मतलब फर्म पार्टनर को पे ऑफ करेगा, फर्म को देना होगा पार्टनर को, तो क्या करेगा? व्हेन पार्टनर पेड ऑफ, व्हेन पार्टनर इज पेड ऑफ, तो लास्ट व्हेन पार्टनर इज पेड ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। देखो ये भी फाइनल सेटलमेंट होता है,
और ये भी फाइनल, सेटलमेंट हो जाए तो पैसा उसको देना है, इसका उल्टा कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो इतना जर्नल आपको तो मिनिमम याद रखना पड़ेगा, इतना जर्नल के बिना काम होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये था पूरा जर्नल, तो एग्जाम में सिर्फ जर्नल ही है, इसका तो श्योरिटी नहीं है ना। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट भी आ सकता है। तो अभी हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट का भी फॉर्मेट तुम लोगों को बोर्ड में दिखाएंगे, ठीक है। आज का क्लास सिर्फ हम लोग फॉर्मेट के ऊपर देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तुम लोगों का काम रहेगा फॉर्मेट जो सीख के गए हैं उसको घर में जाकर अच्छे से देखना समझना। तो देखो क्या क्या बनाने बोलेगा, रियलाइजेशन अकाउंट यार है ना, यार है ये रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, जैसे रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट तो पूरा वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। रियलाइजेशन अकाउंट पूरा लिख दिए, कोई कोई टीचर लोग दो लाइन खींचते हैं वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज में देख रहे होगे कोई दो लाइन खींच रहे, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है ना। रियलाइजेशन अकाउंट, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन चार जो भी पार्टनर है, कोई कोई सब में दो, कोई कोई सब में तीन, कोई कोई में चार, मैक्सिमम चार तक रहता है। मान लो ए बी सी डी पार्टनर है, इसको बनाओ ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है ना। और लास्ट में क्या बनेगा, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं, ठीक है ना। एक स्टूडेंट लास्ट ईयर हूँ, बैलेंस शीट बना लिया और टैली भी करवा के आ गया, बोला सर राइट है, बोला भाई मेरा बैलेंस शीट टैली कर गया रिजोल्यूशन का, बोला बैलेंस शीट रिजोल्यूशन में बैलेंस शीट कहाँ से आया, बोला मेरा तो टैली हो गया था भाई। बोल तो रिजोल्यूशन में बैलेंस शीट बनाना नहीं है, और सर ऐसा ऐसा स्टूडेंट भी बैलेंस शीट बना के टैली करा के आया, पता नहीं उसका ध्यान से निकल गया क्या। एडमिशन रिटायरमेंट में बनते हैं हम लोग, यही तो बनाते रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, यहाँ पे रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। तो बैलेंस शीट टैली करवा के नहीं आ जा रहे हैं, अब खुद बाहर निकल गए आज तेरा बैलेंस शीट टैली हो गया मेरा। पूछे थे वैसे ही तो जान पे जान लगा सर का, हमने कभी नहीं हुआ काम में, हो गया बहुत ज्यादा खुश हो गया टैली करके, आगे सोच हटा लो टैली नहीं भी करेगा तो कर दे उसको, अभी तो थोड़ा कोई ना चेक कर दिया बैंक का लेजर, ठीक है ना। डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज क्रेडिट, ठीक है ना। देखो ये भी बनाए, अभी कुछ लिखना चालू नहीं किए। अब जैसे जैसे जर्नल सिखाए थे तुम लोग को, एक एक करके तुम लोग जर्नल बोलना, हम लेजर में बताएंगे कि उसका पोस्टिंग कैसे होगा। कभी एग्जाम में दोनों नहीं आएगा, ये नहीं बोलेगा एग्जाम में जर्नल बनाओ फिर लेजर बनाओ, तब तो हो गया बस वहीं पर हो जाएगा टाइम खत्म। आइदर जर्नल आएगा या फिर लेजर पोस्टिंग आएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या बोला था, सबसे पहला जर्नल था एसेट को क्लोज करना। तो जर्नल क्या था, एसेट अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, रियलाइजेशन के डेबिट में जितना भी एसेट है उसका बुक वैल्यू लिख देंगे, टू सन्ड्री एसेट्स,
टू सन्ड्री एसेट्स, बुक वैल्यू लिख दिए, समझ लो बाबू यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में आप एसेट को क्लोज किए। दूसरा, अच्छा एसेट में कौन कौन सा एसेट को नहीं बोले थे याद है ना? बैंक, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस, वो सब नहीं, वो सब कहाँ जाएगा बताएंगे आगे। उसको छोड़ के जितना एसेट है सबको लाइन से बुक वैल्यू से डेबिट, उसके बाद लाइबिलिटीज को क्लोज बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज बुक वैल्यू, ठीक है ना बाबू? इसको क्लोज किए बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज बुक वैल्यू से, और इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट ये सब नहीं आएगा। क्लियर पॉइंट? अब क्या करना है सर, एसेट्स को सेल करेंगे थर्ड, तो एसेट को जब सेल करेंगे तो जर्नल होगा बाय, यहाँ पे होगा लेजर बाय बैंक अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड, जो एसेट से जितना मिला है लाइन से लिख देंगे। समझ में आ रहा है बात? लाइबिलिटीज को पे ऑफ किए टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज पेड ऑफ, टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज पेड ऑफ, ठीक है ना? क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आ रहा है? चारों हो गया तो पांचवा क्या था सर? अगर कोई पार्टनर एसेट ले लेगा तो जर्नल क्या बताए थे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का क्रेडिट में आके बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल एसेट टेकन ओवर, एसेट टेकन ओवर। नेक्स्ट क्या था सर? अगर कोई लाइबिलिटी पे कर दे रहा है पार्टनर तो उसका जर्नल क्या था? पार्टनर क्या था? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है ना? लाइबिलिटीज पेड। अब क्या था? रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर फर्म पे कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस, अगर पार्टनर पे कर रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना? अब देखो टू बैंक अकाउंट हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंस, किसका शेयर हुआ है? ठीक है, तो देखो अगर बैंक, अगर रियलाइजेशन फॉर्म पे कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस, अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंस। समझ लो बात को, अगर फर्म पे कर रहा है और फर्म ही बेयर करेगा तो टू बैंक अकाउंट, पार्टनर पे कर रहा है लेकिन फर्म बेयर करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सॉरी फर्म पे कर रहा है लेकिन पार्टनर बेयर करेगा तो यहाँ पे नहीं आएगा रियलाइजेशन में। क्लियर हुआ पॉइंट? सब हो गया है जो करना था कर दिए, अब या तो प्रॉफिट आएगा या तो प्रॉफिट आएगा या तो, अगर प्रॉफिट आता है तो टू रियलाइजेशन प्रॉफिट, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट बोलकर ए बी सी में बांट देंगे, ठीक है ना? अगर लॉस आता है तो बाय रियलाइजेशन लॉस ए बी सी में, जो भी रेशियो, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत कोई भी रही, ठीक है ना? अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में सर, या रियलाइजेशन तो पूरा हो गया, हाँ ऑलमोस्ट मोटा मोटी जो जो सामान आएगा सब इसमें लिख दिए। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या करते हैं कोई बताएगा हमको? प्रॉफिट होगा तो डेबिट, बहुत अच्छा, ओपनिंग बैलेंस,
बाई बैलेंस बीडी, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस जो भी आया उसको बांटेंगे। अगर प्रॉफिट आया है तो बाई रियलाइजेशन प्रॉफिट, अगर लॉस आया है तो टू रियलाइजेशन लॉस, अगर कुछ नहीं आया है तो कुछ नहीं, दोनों आया है तो ठीक है ना। अब क्या होगा सर, अब देखो ध्यान से बात को समझो, अगर कोई पार्टनर एसेट लिया होगा तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन में क्रेडिट है रियलाइज, तो यहां से क्रॉस एंट्री होके यहां आएगा, समझ लो टू रियलाइजेशन एसेट टेकन, समझ लो बात को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन था ना जर्नल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर कोई लाइबिलिटीज पे कर रहा है तो रियलाइजेशन में डेबिट है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, तो बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटीज पेड, ठीक है ना, ये भी हो गया। अगर कोई रिजर्व बटने वाला चीज है तो राइट ऑफ करेंगे ना, रिजर्व हुआ है तो बाय रिजर्व, रिजर्व को राइट ऑफ कर दिए। सर अगर कोई एसेट को राइट ऑफ करना है तो टू एसेट राइट ऑफ रिटेन ऑफ, समझ में आ रहा बात। सर अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई पार्टनर पे किया होगा तो क्रेडिट बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है ना, सब कर दिए कुछ नहीं बचा। अब बैलेंसिंग फिगर पुट होगा बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, अगर यहां पे है तो टू बैंक बैलेंसिंग, ठीक है ना, बैलेंस शीट ही नहीं होगा कुछ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म तो और चलेगा ही नहीं, फॉर्म और चलने वाला है नहीं है, तो जो जिसका बाकी है भाई वो लेके आओ पैसा, जिसको लेकर जाना है वो लेकर निकल लो, खत्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज। अब आते हैं बैंक, तो बैंक का देखो, अगर कैश या बैंक जो भी दिया हुआ ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा, बट अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में हो जाएगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस को लिख दिए टू बैलेंस बीडी, एसेट बेचकर जो पैसा कमाए टू रियलाइजेशन एसेट सोल्ड, लाइबिलिटीज को जो पैसा दिए बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटीज पेड। चलो अब आगे, अगर कोई पार्टनर का लोन है उसको पे ऑफ किए तो जर्नल क्या था, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में क्रेडिट होगा ना, बाय पार्टनर्स लोन ठीक है ना, पार्टनर्स लोन भी पे कर दिए। अब और पार्टनर जो पैसा क्रेडिट में है मतलब जो ला रहा है डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, जो लेकर जा रहा है जिसका डेबिट में है यहां क्रेडिट हो जाएगा बाय पार्टनर्स बैलेंसिंग फिगर किसमें जाएगा, बैलेंसिंग फिगर क्या होगा इसमें, यहां बैलेंसिंग फिगर होगा ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली टैली कर जाएगा, फॉर्म है ही नहीं ना, लेट आके सब खत्म, समझ में आ रहा है, बैंक ऑटोमेटिकली टैली कर जाएगा। अगर बैंक टैली नहीं करता है कोई भी रीजन के वजह से तो समझ जाना सब गलत बना लिए, समझ में आ रहा है बात, क्योंकि बैंक को टैली करना कंपलसरी है, जैसे वहाँ पे बैलेंस शीट टैली होता था यहाँ पे बैंक टैली होगा, अगर नहीं हुआ है इसका मतलब है तुम कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दिए हो, कुछ छूट गया है, कुछ आगे पीछे हो गया है, ठीक है ना।
तो एक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट डे, तो हम लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन से, एकदम इजी बाबू टाइप क्वेश्चन से समझ करेंगे स्टार्ट, ठीक है। आज हम लोग टफ क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि आज फॉर्मेट लिखवाए हैं ना, तो एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, तो ये भी क्वेश्चन को समझना है तब ना क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट पूरा सही से। छोटा सा क्वेश्चन है, 10 मिनट में बन जाएगा, देख लो। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया क्या तुम वहाँ पे टाइम पास कर रहे हो? व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे डिसाइड टू डिजॉल्व देयर पार्टनरशिप एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट ऑफ डिसोल्यूशन आर एस फॉलो। बोले हम लोग को पार्टनरशिप और कंटिन्यू नहीं करना है, डिजॉल्व कर देना है। अब देखो पार्टनरशिप में अगर तुम बैलेंस शीट में देखो सब आइटम ठीक है, रिजर्व फंड है जो बढ़ जाएगा और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ, मतलब ये बैंक का क्रेडिट बैलेंस अभी बताए ना, डेबिट बैलेंस नहीं है। उसके बाद बाकी सब एसेट्स एंड ऑल भी दिया हुआ है। अब आज पढ़ते हैं एडजस्टमेंट में बोला है, ए इज टू टेक द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट 35,000। ए जो कि एक पार्टनर है बोल रहे हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले लेंगे, एसेट ले ले रहा है। बी इज टू टेक स्टॉक एट ट्रेड एट 35,000 एंड सी टू टेक फर्नीचर एट 33,000। ए बी सी तीनों ही कुछ ना कुछ एसेट ले रहा है। सन्ड्री डेटर से रियलाइज हो रहा है 16,000 और प्लांट से रियलाइज हो रहा है 40,000, मतलब ये दो को हम लोग बेच रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन कितना हो गया? 2,000। तुमको बोला है बुक को क्लोज करो, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाकर। तुमको बोला है बुक को क्लोज करो, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाकर, तो तीनों बनाएंगे। इन्फॉर्मेशन तो दिया हुआ ही है, ऑलरेडी बता दिए कैसे क्या होगा नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट सब बना लो। तो देखो पूरा फॉर्मेट बना लिया है, तुम लोग सही से पर्टिकुलर जो नॉन लिख लेना, बाकी तो पूरा तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो सम्स स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, एसेट को क्लोज करेंगे। एसेट क्लोज करने का तरीका, रियलाइजेशन में डेबिट कर दो। तो कौन कौन सा एसेट है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, अब लाइन से लिखेंगे ठीक है, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना अमाउंट है, 52,000 ठीक है, हमको थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। फिर है प्लांट, टू प्लांट, बुक वैल्यू आएगा जो बैलेंस शीट में है 30,000। टू स्टॉक कितना, 40,000। इसके बाद फर्नीचर 5,000। डेटर बोलो ना कितना है, 17,500। अब देखो डेटर का ध्यान से समझो बात को, डेटर है 17,500, माइनस करने के बाद 500 कितना है, 17,000। तो कौन वाले लिखेंगे, 17,500 वाला या 17,000 वाला? हाँ नहीं, 17,500 लिखेंगे और प्रोविजन को क्रेडिट कर देंगे, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट है ना, या डाउटफुल डेट जो भी है 500। तो डेटर में याद रखना ग्रॉस फिगर लिखेंगे और जो प्रोविजन है उसको क्रेडिट में लिखेंगे। समझ में आ रहा बात, यही तरीका है करने का, क्लियर। चलो अब आ जाते हैं, क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का यहाँ पे कोई काम नहीं है, बोले थे ना एसेट में रिकॉर्ड नहीं होगा, तो क्या करेंगे, कैश इन हैंड को डायरेक्टली अब देखो एक साथ बनाएंगे, तोड़ तोड़ के नहीं, चूहा की तरह नहीं, पहले ये तोड़ेंगे वो तोड़ेंगे, एक बार में सब बनाएंगे, टाइम इसमें बचेगा और रॉन्ग होने का चांसेस कम होगा। तो टू बैलेंस बी डी कैश का कितना है, 8,500 लिख दिए, डायरेक्टली क्रॉस एंट्री करेंगे, इसमें क्या होगा, रॉन्ग होने का चांसेस एकदम कम होगा। अब आते हैं लाइबिलिटीज को क्लोज करेंगे, लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, ठीक है ना, तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, बाय बिल्स पेबल कितना है, और क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में रिकॉर्ड नहीं, अगर बैंक अकाउंट रहता तो वो क्रेडिट में चला जाता, यहाँ पे कैश अकाउंट भी है तो इसको क्रेडिट में ही लिखेंगे, बाय
बैंक ओवरड्राफ्ट कितना अमाउंट है, ठीक है ना, संगे संग। उसके बाद है रिजर्व फंड और फिर क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो भाई रिजर्व फंड का तो हम पहले ही बता दिए बटने वाला है, कैपिटल अकाउंट भी यही पुट होगा, तो कैपिटल को पहले पुट कर देते हैं। बाय बैलेंस बीडी कितना है बोलो तो, एबीसी का 53,500, 44,100, 39,400, ठीक है ना। अब रिजर्व बटने वाला है, तो भाई रिजर्व फंड कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। रिजर्व है कितना है और रेशियो क्या है, 5:3:2, तो 2500, 1500, 1000, 5:3:2 में रिजर्व फंड क्या हुआ है, समझ में आया ना बात। और कुछ है लाइबिलिटी में, नहीं और कुछ, इसको क्या हुआ ना, देखो एक बार में कितना कुछ हो गया है ना, अदर तोड़ तोड़ के पहले इसको फिर उसको तो ना नहीं। चलो अब आते हैं, ए इज टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे एसेट्स को पहले जो बेच कर कमाए हैं उसको लिखेंगे, एसेट्स रियलाइज एंड लाइबिलिटीज पेड ऑफ। अब यहाँ पे तुम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम समझाना चाहेंगे, वो बात ये ध्यान से समझना, एसेट का बुक वैल्यू को रिकॉर्ड कर दिए, जो एसेट को जितना में बोलेगा, जो एसेट को जितना में बोलेगा उतना में ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लो 5 एसेट है, अब सबसे अलग अलग अमाउंट मिल रहे हैं, अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। कोई एक एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। कोई एक एसेट के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो वो एसेट को छोड़ देंगे। लाइबिलिटीज में भी जितना बोला है उतना में पे ऑफ करेंगे। अगर कोई एक लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो उसको नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको पे ऑफ करेंगे बुक वैल्यू में। एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो छोड़ देंगे, लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं भी बोला है तो पे ऑफ करेंगे बुक वैल्यू में। समझ में आया बात। तो पहले कौन कौन एसेट को बेचकर कितना मिला है उसका जर्न, उसका यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज्ड। कौन कौन सा एसेट बिका है पहले ये देखो, तो डेटर और प्लांट यही दो है ना, बाकी सबको तो ले लिया गया है। डेटर 16,000, प्लांट 40,000, डेटर 16,000 में बिका है, प्लांट क्वेश्चन में देख लो 40,000 में बिका है, मिलाकर 56,000। समझ लो बात को, मिलाकर 56,000। लाइबिलिटी किसको किसको क्या पे किए है देखो, तो लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी बोला है क्या पे किए है, लाइबिलिटीज के बारे में कुछ भी बोला है क्या पे किए है, क्वेश्चन पूरा देखो तो बोला है नहीं बोला है, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज पेड, नहीं भी बोला है तो लिख देंगे। कौन सा लाइबिलिटी है, दो है, प्रोविजन का, प्रोविजन पे ऑफ नहीं होगा, प्रोविजन बस रिकॉर्ड होगा। डेटर और बिल पेएबल, सॉरी क्रेडिटर्स और बिल पेबल, तो क्रेडिटर का जितना था उतना, 6 और 3, तो 6, 3, 9, क्लियर हुआ पॉइंट। देखो क्रेडिटर के बारे में नहीं भी बोला तो पे ऑफ किए बुक वैल्यू, डेटर एसेट के बारे में नहीं बोला है तो छोड़ दीजिए, जिसका बोला है उसका लिखे। बाकी एसेट भी तो पार्टनर लोग ले रहे हैं ना, तो कौन कौन ले रहा है, ए ले रहा है, बी ले रहा है, सी ले रहा है, तो भाई एज कैपिटल क्या ले रहा है, ए फेस वैल्यू, फ्री होल्ड कितना भी ले रहा है, 35,000, ठीक है ना। बाई बी कैपिटल, बी क्या ले रहा है, कितना में, 35,000, दोनों 35-35 चेक कर लो। बाई सी कैपिटल, फर्नीचर कितना में, क्लियर हुआ पॉइंट। संगे संग ट्रांसफर, देखो एसेट को बेचकर बैंक से 56,000 रुपया आया, लाइबिलिटी को देकर बैंक से 9,000 रुपया गया, संगे संग तो एसेट बेचकर पैसा आया,
टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट सोल्ड 56 में बाय रियलाइजेशन 9000 लाइबिलिटीज पेड। ठीक है ना, समझ में आया? संगे संग क्रॉस एंट्री, उसी तरह जो जो पार्टनर एसेट लिया है उसका भी संगे संग क्रॉस यहां पे टू रियलाइजेशन एसेट टेकन। एसेट लिया है ना भाई एबीसी, तो कितना लिया? ए लिया 35 का, सी बेचारा गरीब था, बोला हमको 3000 का ही दे रहे, चेयर टेबल जो है वही ले लेंगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ? संगे संग क्रॉस एंट्री। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना है? 2000। तो टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस कितना? संगे संग बैंक में जाएगा बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना? देख लो इसमें क्या होगा मालूम है, रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम रहेगी, नहीं बाद में तुम भूल जाओ, बाद में भूलने का चांस नहीं रहता। ये हो गया। अब भाई जो भी रियलाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस आ रहा है देखो, सब हो गया ना एंट्री, कुछ तो बाकी नहीं है। आई थिंक डेबिट साइड बड़ा है, 155,500 चेक कर लो, 155,500 चेक कर लो, सबको माइनस करो, आ रहा है 17,000 रुपये, चेक कर लो फिर भी तुम लोग, माइनस करने के बाद आ रहा है 17, मतलब लॉस है। तो बाय रियलाइजेशन लॉस ए बी सी जो भी 5:3:2 का रेशियो में 17,000 को बांट देंगे तो 8,500, 5,100, 3,400, 8,500, 5,100 चेक कर लो, ठीक है ना, 5:3:2 में बांट दिए, हाँ 155,500। ठीक है ना, जो भी प्रॉफिट या लॉस आया ट्रांसफर होगा टू रियलाइजेशन लॉस कितना? क्रॉस चेक किए फिगर को, सब हो गया, कुछ और बचा नहीं है। अब क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट को टू कैश अकाउंट, और वहां आएगा तो बाय कैश अकाउंट। फाइनल पेमेंट कितना आ रहा है? ए का टोटल करो, 56,000 आएगा, माइनस कर दो, 56,000 से माइनस करोगे 12,000, बी का देखो टोटल 47,600, माइनस करो 45,600 से माइनस करो ये दोनों को 5,500, उसमें देख लो 40,400, माइनस कर दो 6,600 34,000, ठीक है ना, जो क्लोज हो गया सब डेबिट में है, तो बैंक में जाके तो बाय एज कैपिटल कितना आ रहा है बोलो, बाय बी बाय सी कितना आया? ए का 12,500, 5,500, 34,000,
अब देखो टोटल करोगे दोनों साइड का बराबर आएगा 64,500, राइट वाला भी 64,500। देखो दोनों साइड का कर गया है, दोनों साइड का कर गया है अकाउंट टैली, इसका मतलब है मेरा क्वेश्चन क्या बना है, सही बना है, ठीक है ना। तो ये एकदम फर्स्ट क्लास का तुम लोगों को हम बेसिक दे दिए, फर्स्ट क्लास का इधर फर्स्ट क्लास का एकदम बेसिक दे दिया है, फॉर्मेट पूरा बता दिए तुम लोगों को, ठीक है। सम्स एक छोटा सा करके दिखा दिए है किस तरह से हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में और एडवांस लेवल में हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क रहेगा उसको तुम लोग बना लेना। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिसोल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके फोन दे दो।